नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के रोहतक सीट से नव निर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निवीर योजना का नुकसान बताते हुए दिया बयान कि पूरे देश में लागू अग्निपथ योजना को किसी सूरत में नहीं करेंगे स्वीकार। कांग्रेस लोकसभा में अग्निपथ योजना को वापस लेने की लड़ेगी निर्णायक लड़ाई। अग्निपथ योजना को लागू कर सरकार आ गई है वन रैंक वन पेंशन की बजाय नो रैंक नो पेंशन की नीति पर। हरियाणा में 11 मई को गवर्नर को सौंपे गए लेटर में कांग्रेस पार्टी ने फ्लोर टेस्ट की थी मांग, लेकिन अब पार्टी नेताओं ने बदल दी है प्लानिंग। कांग्रेस के नेता फ्लोर टेस्ट कराने के बजाय विधानसभा भंग करने की कर रहे हैं प्लानिंग। इसको लेकर 20 जून को हरियाणा गवर्नर से मिलने जा रहे कांग्रेस के नेता, वहां वह विधानसभा भंग करने की करेंगे मांग। अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करते हुए बिजली उपभोक्ताओं के लिए की है दो बड़ी घोषणाएं। सीएम ने दिया बयान कि बिजली के बिल में मंथली मिनिमम चार्ज को सरकार ने कर दिया है खत्म। अब लोग जितनी बिजली करेंगे खर्च उतना ही आएगा बिल। सरकार ने यह भी किया है फैसला कि जो लोग 10 यूनिट से 100 यूनिट करते हैं बिजली खर्च, उन्हें देने होंगे सिर्फ 200 रुपए ही। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की मुख्यमंत्री नायब सैनी की कैबिनेट में नियुक्ति को लेकर उठ रहे हैं सवाल। उठे सवालों के अनुसार 12 मार्च को निर्दलीय विधायक के रूप में सरकार में शामिल हुए थे रणजीत सिंह चौटाला, इसके बाद वो बीजेपी में हो गए शामिल। 24 मार्च को उन्होंने रानिया विधानसभा की सीट से दे दिया इस्तीफा। ऐसे में अब उन्हें कैबिनेट में शामिल होने के लिए दोबारा लेनी होगी मंत्री की शपथ। अक्सर चर्चा में रहती है चंडीगढ़ में सरकारी कोठी नंबर 48, इस बार हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर है इसकी चर्चा। वह अब तक रह रहे थे इसी कोठी में, लेकिन अब वह इसे खाली कर पंचकुला में हो रहे हैं शिफ्ट। हालांकि अभी किसी को अलॉट नहीं हुई है यह कोठी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी और डी भर्ती को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तेज कर दी है तैयारियां। पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हरियाणा सरकार। इसके लिए सरकार ने अपने टॉप के कानूनविदों से पूरा केस कर लिया है तैयार। हिसार में दिल्ली रोड स्थित सुखदा अस्पताल में सोमवार अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए भर्ती 25 वर्षीय पीएचडी की छात्रा के ऑपरेशन से पहले ही हो गई मौत। परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर किया हंगामा। रोड पर ही बैठ गए परिजन। छात्रा की मौत और हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अर्बन स्टेट थाना पुलिस। पानीपत जिले के डाहर टोल प्लाजा के पास एक ट्रक ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से मार दी टक्कर, जिससे करीब 27 लोग आ गए इसकी चपेट में, जिसमें 2 लोगों की मौके पर हो गई मौत। हादसे के बाद आरोपी ट्रक को छोड़कर मौके से हो गया फरार। हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु जा रहे थे चुलकाना धाम। हादसे के बाद मौके पर मच गई काफी चीख पुकार। पिछले 30 दिन से लगातार 43-48 डिग्री के बीच दर्ज किए गए तापमान के कारण झुलस गई है कपास मूंग गवार की फसलें। इस कारण फसलों को 30% तक हुआ है नुकसान। ऐसे में अगर मानसून में एक सप्ताह की हुई देरी तो 50% पहुंच जाएगा यह नुकसान। धूल भरी आंधी के कारण सब्जियों का घटी है उत्पादन, जिस कारण बढ़ते जा रहे हैं दाम। हरियाणा में इस बार गर्मी के टूट चुके हैं सारे रिकॉर्ड। सुबह पिछले 28 दिन से लगातार चल रही है लू, 6 जिलों में 46 डिग्री से पार हो चुका है पारा। हालांकि मौसम विभाग का है कहना कि आज रात से मौसम में देखने को मिलेगा बदलाव। 19 से 21 जून तक पश्चिम विक्षोभ के कारण बूंदाबांदी हल्की बारिश होने के हैं आसार। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।